अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है डिबेट ऑन लिबरलाइजेशन, मार्केट वर्सेस स्टेट। तो हमने, क्योंकि अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इतनी देर से बार बार लिबरलाइजेशन वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, हमने ग्लोबलाइजेशन में भी यही पढ़ा था कि 1980s के बाद जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ की वजह से ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आ गया था। तो अब हम बेसिकली, हमारे चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है और इसमें हम यही पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, और इसमें हम मार्केट और स्टेट के बीच में जो एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लिबरलाइजेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि लिबरलाइजेशन होता क्या है और क्या क्या पॉलिसीज हैं जो लिबरलाइजेशन को इंक्लूड करती हैं। तो लिबरलाइजेशन, अगर हम एक बहुत ही नॉर्मल वे में बोले, एक बहुत जनरल अगर हमें आइडिया देना है लिबरलाइजेशन का, तो लिबरलाइजेशन जो होता है वो एक तरीके से लूज करना होता है जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है मार्केट में। मार्केट जो है उसमें जितनी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है तो उन सबको लूज करने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देता है, अपनी जो एक तरीके से एक बैक स्टेप ले लेता है, तो और मार्केट को उसी के हाथों में छोड़ देता है, जो बायर्स और सेलर्स हैं उन्हीं के जो एक्सचेंज होता है उस पे जो है मार्केट बेस्ड होता है। और जब इसी चीज़ पे वो गवर्नमेंट एक बैक स्टेप ले लेती है और रिलैक्सेशन कर देती है मार्केट्स में, तो उसी को हम जो है लिबरलाइजेशन बोलते हैं। लिबरलाइजेशन में बहुत सारी पॉलिसीज़ इंक्लूड करती हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन जो है वो उसमें गवर्नमेंट को एक बैक स्टेप लेना होता है, तो उसमें वो एक बहुत सारी पॉलिसीज़ निकालते हैं ताकि जो मार्केट पर से जो कंट्रोल है उनका वो हट जाए, या जैसे हम कहते हैं कम हो जाए। तो वो जो है, जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसका क्या मतलब होता है, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें से वो गवर्नमेंट कंट्रोल हटा के वो इंडिविजुअली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन रन करना शुरू हो जाती है, उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। ये होता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का जो बर्डन है कंट्री रन करने का वो कम हो जाता है, क्योंकि अब वो जो पर्टिकुलर कंपनी है या जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो अब गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं करेगा। इनफैक्ट जो कंपनी जिसने ओवरटेक किया है वो उस सेक्टर पे कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट का एक तरीके से हाथ नहीं होगा। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो है लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन कैपिटल, लेबर एंड ट्रेड। तो हमें केवल पता होना बहुत ज़रूरी है कि 1980s से पहले तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे थे ताकि वो जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक तरीके से उनके लिए बेनिफिट हो, और लोकल प्रोड्यूसर्स को किसी भी तरह के ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, या अगर कोई फॉरेन कंपनी आके अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उससे जो है लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस ना हो, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती थी कैपिटल पे, लेबर पे और ट्रेड पे भी। पर लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ के आने की वजह से हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इन सब चीज़ों पे भी लूज हो चुका है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस कर दिए हैं कैपिटल, लेबर एंड ट्रेड पे, जिसकी वजह से अब जो मूवमेंट है कैपिटल का, या जो कमोडिटीज़ का, या पीपल का जो मूवमेंट है वो एक तरीके से ईजी हो गया है। उसके बाद आ जाता है रिडक्शन इन टैरिफ एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इसका मतलब होता है कि जैसा कि हमें यहाँ पे ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है वो उन प्रोडक्ट्स पे लगती हैं जो बाहर, जो कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में अगर कुछ भी प्रोडक्ट बेचना चाहती है, कुछ प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, उसके लिए उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, या फिर ऐसे किसी भी चीज़ में टैरिफ एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो लगती हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से वो बेसिकली जो बाहर की कंपनी का एक छोटा सा कैपिटल है वो गवर्नमेंट अपने लिए रख लेती है। बट लिबरलाइजेशन के आने की वजह से ये जितनी भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो अच्छा हो गया, और जो कंपनीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर आकर प्रोडक्ट्स बेचना ईजी हो गया। उसके बाद ऑल्सो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के रिडक्शन की वजह से जो कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट पे आए, तो फोर्थ पॉइंट यही मतलब है इसका कि जो एक्सेस है फॉरेन कंपनीज़ के लिए कि वो इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके इंडिया में, वो इजी हो गया है। अब क्या है कि पहले
लिबरलाइजेशन के आने से पहले कंपनीज को अगर इंडिया अगर कंपनी को एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है इंडिया में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को एट टाइम्स मना कर दिया जाता था, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता था और बहुत कुछ होता था जिसकी जिसको मानने के बाद ही एक इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप हो सकती है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे। बट वो सबके सब जो हैं वो लिबरलाइजेशन की आने की वजह से कम हो गए हैं। अब एक तरीके से गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको इंडिया में आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए और यहाँ पर आके यहाँ की मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो जो ये सब जो हमने अभी चीज़ें डिस्कस करी हैं लिबरलाइजेशन के बारे में, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो लिबरलाइजेशन को एनेबल करती है इंडिया में, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लिबरलाइजेशन अब ढंग से इंडिया में आ चुका है। तो वो ये पॉलिसीज़ हैं और इन सब का जो रिज़ल्ट है इसी को हम कहते हैं मार्केटाइजेशन। मार्केटाइजेशन जो है वो मार्केटाइजेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि मार्केटाइजेशन भी यही सब इंक्लूड करता है कि जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन हो जाए पब्लिक सेक्टर का, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है या जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रेड ऑन कैपिटल वो सब हट जाए और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो ईजिली आकर इंडिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सके, इन्हीं सब चीज़ों को भी मार्केटाइजेशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब चीज़ें अगर इंडिया में आ चुकी हैं तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है। इससे बेसिकली ये फ़ायदा हुआ है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी जो नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं वो भी बढ़ गया है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी चल रही है, स्टिम्युलेट हो गई है पहले के टाइम से ज़्यादा, अब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो गई है। और उसके अलावा जो है जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडियन मार्केट्स में आना शुरू कर दिए हैं, हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स के पास अब एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, यू नो अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए कि उन्हें एग्जैक्टली कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी चीज़ उनके वांट्स को सैटिस्फाई करेगी। तो यही है, इसी यही सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हुई हैं मार्केटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के आने की वजह से। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है रीजंस टू अडॉप्ट लिबरलाइजेशन, कि अगर हम लिबरलाइजेशन जो है वो हमने अडॉप्ट करा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, गवर्नमेंट ने क्या सोचा जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया गया। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इन तीन चीज़ों की वजह से, तीन पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, तीन चीज़ों की वजह से जो है लिबरलाइजेशन अडॉप्ट करा था। पहला रीज़न ये था कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली उनको लगा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया की बढ़ेगी, ऑल्सो लिबरलाइजेशन की आने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अब अगर फॉरेन कंपनीज़ जो है वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगी उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। उसके बाद जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन को इंडिया में आने दिया गया वो ये था कि जो इन जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, जो जो लेबर की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो कंट्री है वो एक तरीके से आगे बढ़ सकती है लिबरलाइजेशन के आने के बाद। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो गवर्नमेंट बर्डन है इन कंपनीज़ को रन करने का, यहाँ पे जो है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वो अब पब्लिक सेक्टर्स ना होके प्राइवेटाइज हो चुके हैं, तो ये सब जो ध्यान ये सब चीज़ें ध्यान में इसलिए रखी गई ताकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो बर्डन है इन कंपनीज़ को चलाने का वो अब नहीं रहेगा, वो अब जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके पास होगा, वो उन कंपनीज़ को रन करेंगी और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का एक बर्डन है वो एक तरीके से कम हो जाएगा। सो ये तीन जो हैं ये सबसे बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया गया इंडिया में और ये बात आ गई कि हाँ अब लिबरलाइजेशन आएगा। और उसके साथ ही साथ क्या आया था, ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद अब हम ये बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन के आने की वजह से सबने ये एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा लिबरलाइजेशन का, ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए जो है बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा है, हम कहते हैं कि जहाँ पे उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे बट वहीं पे लिबरलाइजेशन के काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। सबसे ज़्यादा जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि लिबरलाइजेशन में जहाँ पे
कुछ सेक्टर्स जो इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, बट उसके साथ साथ जो बाकी के सेक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहन किया है या फिर काफ़ी ज़्यादा लॉस बेयर करा है, और वो जो सेक्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी में नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का या ऑटोमोबाइल्स का। तो ये जो यूजुअली जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो बाहर की कंपनीज के बेटर हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली अच्छी है। ये सेम केस है ऑटोमोबाइल्स का भी। तो जहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटोमोबाइल्स या हम कहें ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो यहाँ पे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी लॉस हुआ है, क्योंकि वो बाहर की जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है उससे कॉम्पीट नहीं कर पाए। जबकि ऑन द अदर हैंड जो एग्रीकल्चर है उसने एक तरीके से जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट करा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये था एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कि जहाँ पे एक जगह पे तो लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, बट वहीं पे दूसरी जगह पे जो लिबरलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस का कारण भी बन रही है, यू नो लॉस का रीज़न भी बन रही है बाकी सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो दो चीज़ें और पढ़ेंगे, यहाँ पे हम फार्मर और मैन्युफैक्चरर्स दोनों का केस लेंगे कि लिबरलाइजेशन के आने की वजह से फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरर्स में क्या इम्पैक्ट रहा है। ये हम दो चीज़ें अभी और पढ़ेंगे। तो अगर हम अभी सिर्फ फार्मर्स की बात करें कि जो फार्मर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट रहा है लिबरलाइजेशन का, तो हम ये बात जानते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो कहीं कुछ कुछ जगहों पे तो उनके लिए लिबरलाइजेशन बेनिफिट रहा, बट काफ़ी सारी जगहों पे इवन फार्मर्स के लिए भी वो कहीं ना कहीं पे एक नेगेटिव भी रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो फार्मर्स को पहले बहुत ज़्यादा एक तरीके से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे थे, उनके पास सब्सिडीज थी, सपोर्ट प्राइजेस थे। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स का यूज़ करा है, सब्सिडीज एंड सपोर्ट प्राइजेस। तो ये दो टर्म्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने फार्मर्स को गवर्नमेंट की वजह से फार्मर्स को क्या बेनिफिट हुए थे, ये इन दो टर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोर्ट प्राइस बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को देती है। क्यों? क्योंकि जो फार्मर का जो लैंड का जो एक पार्ट होता है वो गवर्नमेंट अपने लिए रख देती है, जैसे कहते हैं अपने लिए रिजर्व कर देती है। तो जैसे ही हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए गवर्नमेंट और उस पर्टिकुलर पार्ट के गवर्नमेंट एक ऑलरेडी एक प्राइस तय कर देती है कि हम फार्मर्स को उतने पार्ट के लिए इतना प्राइस पे करेंगे। तो नो मैटर कि वो जो फसल है उस साल की वो चाहे अच्छी हो या उतनी अच्छी नहीं हो, बट जो गवर्नमेंट ने जो भी प्राइस तय किया है वो फार्मर से उतना पार्ट ऑफ हार्वेस्ट उसी प्राइस पे ले लेती है। तो ये एक तरीके से एक बेनिफिट होता है फार्मर्स के लिए कि उन्हें पता है कि जो इतना पार्ट है हार्वेस्ट का उससे गवर्नमेंट से उनको इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देता है फार्मर्स को। जो दूसरी चीज़ गवर्नमेंट देता है फार्मर्स को वो होती है सब्सिडीज़ जो होती हैं उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से जो फार्मर्स के जो इनपुट्स का जो कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। इसका मतलब है कि जो फार्मर्स की जो इनपुट्स, जैसे अगर हम एग्जांपल ले फर्टिलाइजर्स का या फिर जो सीड्स वो लोग खरीदते हैं प्लांट करने के लिए, उन सब चीज़ों का जो एक तरीके से एक जो पार्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करती है, और इसकी वजह से फार्मर्स को ये सब चीज़ें बहुत कम रेट में मिल जाती हैं और इस वजह से वो बेनिफिट कर पाते हैं। तो यही है सपोर्ट प्राइजेस एंड सब्सिडीज़। ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था एक फार्मर की लाइफ में, जिसकी वजह से फार्मर्स काफ़ी बेनिफिट कर रहे थे इंडिया में। बट लिबरलाइजेशन के आने की वजह से क्या हुआ है, ये जो रिलैक्सेशन है, ये जो सपोर्ट प्राइस और सब्सिडीज थी ये विड्रॉ कर ली गई और फार्मर्स को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। जो भी ओरिजिनल प्राइस है फार्मर्स को वही पे करना पड़ेगा, और जैसी भी उनकी हार्वेस्ट रही है उसके अकॉर्डिंगली ही उन्हें प्राइस मिलेगा। तो एक तरीके से हम कहते हैं फार्मर्स को इस चीज़ में थोड़ा लॉस हुआ है
क्योंकि अब फार्मर्स के पास सब्सिडीज़ नहीं है और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उनका यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी वजह से ये जो सब्सिडीज़ और सपोर्ट प्राइस हैं वो लिबरलाइजेशन की वजह से वापस ले लिए गए फार्मर्स से और यहीं पे फार्मर्स ने अपना जो है वो लॉस बेयर किया। उसके बाद अगर हम सेकंड केस की बात करें जो है मैन्युफैक्चरर्स की, मैन्युफैक्चरर्स को क्या प्रॉब्लम्स हुई लिबरलाइजेशन की वजह से, तो जैसा कि हम जानते हैं लिबरलाइजेशन ने क्या किया, जो मार्केट है उसको हमारी इंडियन मार्केट को फॉरेन मार्केट से जोड़ दिया गया, एक तरीके से ग्लोबली कनेक्ट हो गई इंडियन मार्केट और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अब उनको कम्पीट करना पड़ रहा था फॉरेन प्रोड्यूसर्स, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स से, और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आके सेट कर रही थी और जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं हाईफाई है या फिर इंडियन टेक्नोलॉजी से काफ़ी आगे है, जिसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा लॉस सहन करना पड़ा था या बेयर करना पड़ रहा था। और इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी लिबरलाइजेशन जो है वो एक तरीके से इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद पॉलिसी नहीं रहे। बट हाँ, यहाँ पे हमें एक बार जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है लिबरलाइजेशन का इतने सारे सेक्टर्स में, उसके साथ साथ हम ये नहीं भूल सकते कि लिबरलाइजेशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब काफ़ी सारे जो यूथ है या काफ़ी सारा जो वर्किंग क्लास है वो एम्प्लॉयड है लिबरलाइजेशन की वजह से, एंड ऑल्सो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी लिबरलाइजेशन की वजह से ही बढ़ी है। तो जहाँ पे लिबरलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जिनको हम नहीं अनदेखा कर सकते, बट उसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि उसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है इकॉनमी में। तो यही था हमारा मार्केट वर्सेस स्टेट, कि जहाँ पे मार्केट जो है वो बार बार यही कोशिश कर रही है कि स्टेट का जो है इंटरवेंशन कम हो जाए और जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्राई कर रही है कि जो इंटरवेंशन है वो एकदम इससे कम ना हो कि लोकल प्रोड्यूसर्स एकदम कुछ ना कर पाए या लोकल प्रोड्यूसर्स एकदम लॉस में चले जाए। स्टेट अभी भी कुछ ना कुछ ट्राई करती है इस तरह की लोकल प्रोड्यूसर्स जो है उनको भी बेनिफिट हो। तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट है मार्केट और स्टेट में। और जहाँ पे हम लिबरलाइजेशन की बात करें, लिबरलाइजेशन यही कहता है कि जो एक मार्केट है उसमें स्टेट के इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना स्टेट इंटरवेंशन के मार्केट ज़्यादा प्रॉस्परस होती है, ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाती है। तो ये था हमारा डिबेट ऑन लिबरलाइजेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक भी कवर कर लिया है, और अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमने स्टार्टिंग में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा था मार्केट के बारे में, जहाँ पे हमने एडम स्मिथ की बुक के में क्या लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशंस में क्या है उसके बारे में पढ़ा, फ्री मार्केट के बारे में पढ़ा, और उसके साथ ही साथ हमने एक विलेज के बारे में डिस्कस किया था, एक वीकली मार्केट के बारे में डिस्कस किया था जो धोराई विलेज है छत्तीसगढ़ में। तो ये सब हमने पढ़ा मार्केट एंड इकॉनमी में। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा कास्ट बेस्ड मार्केट्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स की, जो प्री कलोनियल मतलब कलोनियलिज्म आने से पहले मार्केट्स कैसे फंक्शन करती थी और कलोनियलिज्म के आने के बाद मार्केट्स जो है वो कैसे फंक्शन हुई इंडिया में। और हम ये चीज़ जानते हैं कि जो ट्रेड है वो इंडिया में पहले से रहा है, बट उसके बावजूद पहले से फंक्शन कर रहा था और प्रॉस्परस भी था अगर हम हैंडलूम इंडस्ट्री की भी बात करें तो, बट इंडिया कॉलोनाइज्ड होने के बाद जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गई और जो इंडिया का जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो एक तरीके से कलोनियल रूलर की वजह से फंक्शन नहीं कर पाया। और उसके बाद हमने यही पढ़ा कि कलोनियल इंडिया में कैसे जो कलोनियलिज्म है उन्होंने कैसे इंडिया की मार्केट को डिस्ट्रॉय किया और मार्केट एक मार्केट को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी। इनफैक्ट जो इंडिया है उसको जहाँ पे इंडिया एक एक्सपोर्टर था फिनिश्ड गुड्स का, वहीं पे इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट करने लग गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो इस वजह से जो कलोनियल इंडिया है उसका भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े इंडियन मार्केट को कलोनियलिज्म की वजह से। और हमने उसके बाद एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ा जो थे नटुकोटाई चैटियर्स, हमने उनके बारे में पढ़ा और वो तमिलनाडु में फंक्शन करते हैं। और हमने यही पढ़ा कि कैसे उस एक कम्युनिटी में जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है,
उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट, कि जो मार्केट है वो सोशली कैसे ऑर्गेनाइज थी. उसमें हमने न्यू मार्केट्स के बारे में पढ़ा कि जो न्यू मार्केट्स हैं वो आए, जो न्यू मर्चेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे आए. हालांकि जो जो मर्चेंट कम्युनिटीज़ हैं वो पहले सिर्फ यूजली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सिर्फ बनियास जो हैं वो ज़्यादा फेमस थे मर्चेंट कम्युनिटीज़ के नाम पे. बट उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी और कम्युनिटीज़ भी आ गई, जैसे सिंधीज एंड बोहरास. तो ये सब की सब जो कम्युनिटीज़ हैं ये भी मार्केट में आ गई और ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया. और कैसे इन कम्युनिटीज़ ने कलोनियलिज्म की हेल्प की वजह से, कलोनियलिज्म की मदद की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करी और उसके बाद वो ट्रेडिंग नेटवर्क्स में आ गए. उसके बाद हमने कलोनियलिज्म एंड एमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट्स के बारे में भी पढ़ा कि वही की जो न्यू मार्केट्स हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं. और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है बिरलास के बारे में पढ़ा, जो बिरलास एक कम्युनिटी है जो पहले ट्रेडिंग नेटवर्क्स में नहीं थी बट कलोनियलिज्म की न्यू की वजह से जो न्यू मार्केट्स आई थी उसमें बिरलास ने अपना बहुत अच्छा किया. और इवन कलोनियलिज्म के बाद भी वो उन्होंने अपने आप को एज अ मर्चेंट कम्युनिटी ही रखा और वो चेंज नहीं हुए. और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो बिरलास हैं वो कैसे मनी लेंडर्स थे पहले, बट जब कलोनियलिज्म चला गया, जब ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद जहाँ पे वो मनी लेंडिंग तो कंटिन्यू करते थे बट उसके साथ ही साथ उन्होंने जो और चीज़ें भी करी, जैसे वो खुद अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट में भी कन्वर्ट कर लिया. तो बेसिकली उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया. उसके बाद हमने कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा, हमने कैपिटलिज्म क्या होता है वो पढ़ा. और उसके साथ साथ हमने दो चीज़ें, जो दो टॉपिक्स और पढ़े थे वो थे कमोडिफिकेशन एंड कंजम्पशन. तो ये सब चीज़ें हमने कैपिटलिज्म में पढ़ी. उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया. और फिर हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ा, जो अभी हमारा एंड टॉपिक था, कि लिबरलाइजेशन जो है वो कैसे पॉजिटिव जहाँ पे रहा बट साथ ही साथ नेगेटिव भी रहा.